नमस्ते बच्चों, तो इससे पहले आज हमने क्या किया था? पेज नंबर 8 और 9 पे ऊंट उल्लेख किया था, ठीक है। और हमारा बुक का नाम है हिंदी अक्षरमाला भाग ओ। अब ये ट्रेस होने के बाद कुछ और पढ़ाई हम करने वाले हैं। तो बच्चों, इस बुक में से पेज नंबर 1616 और 1717 निकालिए। पेज नंबर 1616 यानी कि 16 और पेज नंबर 1770 आप निकालो, ठीक है। तो यदि ये पेज आप देखेंगे तो इसमें आपको एक वर्ण दिखेगा। हाँ, तो ये वर्ण है ई वर्ण। कौन सा वर्ण है? ई। और उसके बाजू में ही चित्र है, पिक्चर है, वो है इमली का। किसका पिक्चर है? इमली का। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बड़ा ई आपको दिखाई देगा। हाँ, ये किस तरह से लिखा हुआ है देखो। हाँ, तो ये है ई, इमली। ई से इमली, ई से इमली। वेरी गुड। तो इमली खाने में कैसे लगती है? खट्टी मीठी लगती है। इमली का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो बच्चों, ई से सिर्फ इमली ही होती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ई वर्ण से कई सारे शब्द शुरू होते हैं, जैसे कि ई से इमारत। इमारत यानी कि बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग, ठीक है। ई से इडली, आपको बहुत प्यारी लगती है ना इडली खाने में। हाँ। और ई से इस्त्री, जो मम्मी आपके स्कूल के यूनिफॉर्म को करती है ना। हाँ, तो ई वर्ण से कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है, जैसे कि पहले ही हमने देखा ई से इमली, ई से इमारत, वेरी गुड, ई से इडली और ई से इस्त्री। ऐसे कई सारे शब्द ई वर्ण से शुरू होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे ई वर्ण दिखाई देगा और ये है इमली का चित्र। हाँ, तो इसके बाद हमारा काम क्या है? तो हमारा काम है मेरे साथ छोटी सी पंक्ति बोलनी है आपको। यहाँ पे आप देखिए अपने बुक में, देखो यहाँ पे। चलो मेरे साथ जोर से बोलो। ई से इमली सबसे न्यारी, खट्टी मिट्टी प्यारी प्यारी। ई से इमली सबसे न्यारी, खट्टी मिट्टी प्यारी प्यारी। तो इमली कैसे लगती है? खट्टी मिट्टी लगती है। हाँ बच्चों, आपको इमली बहुत पसंद है, मुझे मालूम है, ठीक है। तो इसके बाद आपको पेज नंबर 16 पे ये ई अच्छे से ट्रेस करनी है और पेंसिल के साथ ट्रेस करनी है और ये सब आपको अच्छे से लिखना है। किस तरह से लिखेंगे देखो, मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखाती हूँ और आपको बोलना भी है। ई से इमली, ई से इमारत, ई से इडली, ई से इस्त्री, ई से इमली। इस तरह से बोल बोल कर आपको ये सब लिखना है। इसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य का मतलब है होमवर्क, वेरी गुड। तो ये गृह कार्य भी अभी आपको अच्छे से करना है। कैसे करना है? अभी मैंने आपको दिखाया कि ई से इमली कैसे निकालेंगे। ये बहुत ही आसान है, लेकिन अच्छे बच्चे जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और ये ई से इमली अच्छे से निकाल पाएंगे। ई से इमली, ई से इडली, ई से इमारत। इस प्रकार आप ये
जॉइंट्स करने हैं हमें, ये जो डॉट्स दिए हुए हैं वो हमें जॉइन करने हैं पेंसिल से और इसको हमें कलर भी करना है। तो कौन सा कलर यूज करेंगे? वेल, यहाँ पे इमली का जो कलर दिया हुआ है वही कलर हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम ये डॉट पेंसिल से अच्छे से ऐसे जॉइन करेंगे। देखो हमारी इमली का चित्र तैयार होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ई। इस तरह से। वेरी गुड, उसके बाद कौन सा
फ्रेजिंग सीखा, उसके बाद हमने वर्ण ई की पहचान की, ई से कितने सारे शब्द तैयार होते हैं वो देखे, उसके बाद हमने ई की जो वर्कशीट है हमारे साथ वो भी अच्छे से छुड़ा ली है। तो बच्चों आप अच्छे से ये छुड़ाओ तो आपको मैं बड़ा स्टार देने वाली हूँ, क्या देने वाली हूँ, बड़ा स्टार। तो सभी बच्चों को बड़ा स्टार चाहिए ना? हाँ, सभी बच्चों को स्टार चाहिए, इसी